हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो काफी अमीरों के लिए होने वाली, क्योंकि मैं काफी महंगा बिल्ड है ये। और आप देख सकते हैं मेरे कपड़े कुपड़े भी, मतलब अमीर नहीं, अब गरीब। मेरे 2 मिनट 2 मिनट अभी, अरे रुको अभी। तो आज की वीडियो काफी अमीरों के लिए होने वाली है। आप देख सकते हैं मेरे कपड़े भी उतर गए। वैसे जो ये पीछे खड़े हुए, ये कहते हैं ये भी उतार दे, मतलब नंगा ही हो जाऊं मैं, बट कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज होती है, तो मैंने ये सब नहीं उतारा है। तो देखिए असली बात क्या, जो ये प्राइसिंग, मैं आपको शुरुआत में प्राइसिंग बता देता हूँ। 28 हजार से लेके 29 हजार, मतलब कि 29,000 तक का ये बिल्ड है। तो जो लोग 2021 में भी ऐसा पीसी बनवाते हैं, वो बेचारे बहुत मुश्किल से पैसा जोड़ते हैं। आपको पता है कि 30 हजार रुपए एक वैसे गेमिंग पीसी के बहुत छोटा सा अमाउंट है, बट जो लोग इसे जोड़ते हैं उनके बेचारों की, मतलब काफी लाइफ टाइम निकल जाता है उनके लिए। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ, मैंने यही सोचा कि मैं भी ऐसे कुछ करूंगा। आखिर में मेरा सब बिक गया। अब मेरा नाड़ा नूड़ा, मतलब ऐसे मैंने नीचे कुछ पहना नहीं हुआ, वो मैं दिखाना नहीं चाहता यहाँ पे आके। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रोसेसर की। प्रोसेसर में यहाँ पे यूज हो रहा है 3200G, जो कि 4 कोर 4 थ्रेड का प्रोसेसर है। हाँ जी, 4 कोर 4 थ्रेड का है। मी नॉट अ नूब एनी मोर। 4 कोर 4 थ्रेड का उसके प्रोसेसर ऊपर ही है। लिखा होता है वैसे। 3.6। अब इसमें वैसे मैं बताना कुछ नहीं चाहता, 3200G में 4 कोर 4 थ्रेड होते हैं। वैसे भी आपने मेरी बेस्ती देख ही ली। उसके साथ आपकी जो मैक्स बूस्ट स्पीड है वो 4 GHz की है, साथ ही में 3.6 GHz की इसकी बेस क्लॉक है। अब इसके बारे में, मतलब इस प्रोसेसर के बारे में और क्या, तो ये ऑफिस वर्क के लिए, मैं सीधी सी बात तो गेमिंग के लिए अगर आप ले रहे हो, साथ में ये बोल रहे हो फोन करके मेरे को कि मैं अल्ट्रा सेटिंग्स पे गेमिंग चाहता हूँ, भाई 30K मेरा बजट है। उसके बाद मदरबोर्ड, सबसे प्यारी कंपनी गैलेक्सी। इसको पहले गैलेक्सी बोलते थे, बट अब इनका वाई हट गया, गैलेक्स रह गया। तो गैलेक्स A320M मदरबोर्ड, एंड काफी अच्छा मदरबोर्ड है वैसे, मैं ये बोलूंगा। बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है, मतलब 30 हजार के बीच में। मैं अब आपको इससे ज्यादा क्या दू, इससे नीचे जाना तो गीगाबाइट ले लेना, फिर और क्या मैं बोलूँ आपको। गीगाबाइट दे देंगे इससे सस्ते में आपको। नाउ कम्स द रैम। रैम यहाँ पे 3200 MHz की क्रूशियल की बैलिस्टिक स्पोर्ट यूज कर रहे हैं। आप चाहे तो जिस स्किल की भी लग जाएगी, बट वो एक्सपेंसिव आएगी। आपको पता है माइनिंग की वजह से रैम की प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ पे 8 GB का वेरियंट है, 3200 MHz। 8 GB का बस लगाएंगे, 16 GB के लिए औकात नहीं है भैया हमारी। और ये भी उतार दूंगे, रुको बस खुश। आगे बात कर लेते हैं SSD की। अब इसमें भी मैं आपको एक चीज समझा दूं, यहाँ SSD पड़ी है, यहाँ हार्ड डिस्क पड़ी है। अगर आप और ज्यादा, मतलब लोअर वेरिएंट में और लोअर क्लास में आ जाते हो और गरीब हो जाते हो, तो आप इनमें से एक चीज स्किप कर सकते हैं, मतलब कि SSD हटा देना, तो आपके 3 हजार रुपये और कम हो जाएंगे, 25 हजार में बन जाएगा किसी और को। बट 25 हजार से नीचे नहीं, जैसे कुछ को लोग 10-15 हजार के बीच में भी आते हैं, तो भैया क्या सब्जी थोड़ी ना बेच रहा हूँ मैं यहाँ पे। क्रूशियल की तरफ से BX500 यूज करें, जो कि 240 GB का एक वेरिएंट आता है। अच्छी सी नॉर्मल सेटा वो है आपका वेरिएंट है ये, और इसमें आपकी विंडोज वगैरह डलती है, ताकि जो भी आपके ऑपरेशन वगैरह है वो स्मूथली और एफिशिएंटली काम करे, जल्दी से सिस्टम बूट हो जाए। अब आ जाती है यहाँ पे मैकेनिकल हार्ड ड्राइव, जो कि कागज के पैकेट में आती है। वैसे तो ये प्लास्टिक है, कागज के पैकेट में आती है। 1 TB WD हार्ड डिस्क, एंटी स्टैटिक बैग कहते हैं उसको, एंटी स्टैटिक बैग। 7200 RPM, 1 TB, नथिंग स्पेशल। इसके बारे में क्या होता है, KVR ब्लू। और आ जाती है पावर सप्लाई यूनिट की बात, तो यहाँ पे एंटेक की 450 वॉट हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि सबसे सस्ती पावर सप्लाई इस टाइम हालांकि यही आती है। कूलर मास्टर की अगर आपको लेनी है, तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव आएगी, और उसके दिक्कत में होगा आपका एक और बटन यहाँ का जो है वो भी देखो खुल जाएगा। अगर कूलर मास्टर की आपने लगाई, ये भी खुल जाएगा। उसके बाद मैं इनर में आ जाऊंगा, अंडर गारमेंट्स में आ जाऊंगा। आप ये देखना चाहते हो क्या, मतलब आज एक बंदा मैं तो ये 25 हजार का सिस्टम मंगा था, कहता वो कूलर मास्टर की ना MP511 लगा दो भाई, तो पेंट भी उतरवाएगा अपने। तो कैबिनेट में हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एंड स्पोर्ट की 211TG, जो कि एक ठीक ठाक कैबिनेट मैं बोलूंगा। आगे ऐसे केंचुआ बना हुआ है, जैसे कि मेरी शक्ल है वैसे ही वो कैबिनेट होगी, और आगे बीच में पंखा भी होगा, ट्रांसफॉर्मर टाइप लुक देती है। वैसे एक एंटेक की भी कैबिनेट वैसी आती है, एंटेक ने पहली उतरी, बाद में एंटी स्पोर्ट की आई है, क्योंकि आपको पता है एंटी स्पोर्ट क्या करता है, काफी अच्छे काम करता है वो, एंड वो सस्ती आती है। एंटी स्पोर्ट की मतलब सस्ती है, एंटेक की थोड़ी एक्सपेंसिव है। बिल्ड क्वालिटी भी दोनों की, मतलब मैं यही कहूंगा इक्वली सिमिलर टाइप है, तो आप एंटी स्पोर्ट के साथ जा सकते हैं। और अगर आपका कुछ बजट और कम है, 24 में बनवाना चाहते हो आप पीसी, तो या फिर एनटेक NX200 ले लेना, और कम हो जाएगा प्राइस। उसकी वजह से आपके जो ये हैं बटन वगैरह फिर बंद हो जाएंगे, तो आप सूट पेंट में आ जाओगे दोबारा। सो आगे मैं आपको बीरोस दिखा देता हूँ, एकदम बढ़िया। वैसे बीरोस में कुछ लाइटनिंग वगैरह नहीं होगी, बिल्कुल नॉर्मल से बीरोल होंगे। और बेंचमार्क की बात नहीं करें तो अच्छा होगा, क्योंकि फ्रेम्स भी कुछ ऐसे प्लेएबल नहीं आएंगे जो मैं दिखा सकूँ उसे।
सॉरी क्राइंग इन द बैकग्राउंड। We'll be right back.